मेरा नाम यूनुस खान है, सब्जी मंडी हम्मल यूनियन का अध्यक्ष हूँ। और दिवाली के शुभ अवसर पर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और छठ पूजा और अभी ग्यारस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सबको दी जाती। मेरी पूरी हम्मल यूनियन की तरफ से ये मुबारकबाद मैं देता हूँ पूरे शहरवासियों को, और मैं चाहता हूँ कि मालिक इनको खुशहाल रखे और इनकी हर मनोकामना पूरी करे, और इनको भाईचारे की, मोहब्बत की, प्यार की, अखलाक की सबको तौफीक अता फरमाए। अरे कोविड के दो साल के बाद जो हम्मलों को मौका मिला है इस बार रोजगार से, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हम्मलों के लिए? भाई हम्मलों की दिवाली या ईद या कोई भी त्यौहार मजदूर जब मनाएंगे जब उनके पेट में रोटी और तन पे लंगोटी और रहने को मकान होगा। ये त्यौहार तो सारे उद्योगपतियों के हैं। अगर उद्योगपति जिस तरीके से मनाते हैं और जिस तरीके से उसका फैलावा करते हैं, खाने भी उनके इतने ख़राब होते हैं कि खाते हैं वो चुटकी भरे और कुंटल भर फेंकते हैं। अगर उसका एक भी हिस्सा मजदूर को मिल जाए तो उसके यहाँ तो मंगल ही मंगल है। उसकी त्यौहार हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ में वो मना सके, जब उसका ना काम नहीं है, घर में रोटी नहीं है, सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं है। शासन प्रशासन ने इस बार आपको मामलों के लिए क्या सहायता की है? कोई सहायता नहीं है मजदूर के लिए, कोई सहायता नहीं है। आपको कहाँ के मजदूरों को कहाँ वो देते हैं भाषण, तो वो बहुत सी चीज़ों के देते हैं, बहुत सारे योगदान बोलते हैं कि साहब आज हम 1,000 करोड़ का और 10,000 करोड़ का ऐसा कर रहे हैं, मगर कहाँ देते हैं ये पता नहीं है। हमारे मजदूर जो करोड़ मंडी के अंदर हैं, कम से कम 2,500 मजदूर होंगे गल्ला मंडी और सब्जी मंडी के अंदर, मगर मैं समझता हूँ कि एक भी मजदूर से पूछ लो किसको मकान मिले, किसको सरकार की योजना मिली, आपको पता चल जाएगा। अगर पूरे मंडी के अंदर आप इस बात की मालूमात करेंगे तो भाई हम मजदूरों को यहाँ पर आप कैम्प लगा के आप उनके लिए मतलब भर सकते हैं, कोई हेराफेरी ना हो। क्या समझे, मजदूर को मजदूर के लिए पेट भर रोटी तो मिल जाए जब वो त्यौहार मनाएगा, ना तो उनके कोई त्यौहार मन पाते हैं ना उनके। अभी को मजदूर के लिए पेट भर रोटी तो मिल जाए जब वो त्यौहार मनाएगा, ना तो उनके कोई त्यौहार मन पाते हैं ना उनके। अभी देखो आप पूरी मंडी सन्नाटे में पड़ी हुई है, सब्जी मंडी और गल्ला मंडी। मजदूर 200-300 रुपये कमाना उसको मुश्किल पड़ लिया है, और इस ज़माने में महंगाई इतनी है कि 200-300 रुपये तो ऐसा लगता है 2-3 रुपयों के बराबर, वो परिवार कैसे चलाएगा। मेरा यही कहना है सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि शहर में, भोपाल शहर है करोड़ मंडी का या और कहीं का भी है, सरकार मजदूर और गरीबों के लिए सोचे, उनके लिए लाभ रहे, ताकि उनका हर दिन त्यौहार की तरह गुजरे, त्यौहार ही नहीं हर दिन त्यौहार की तरह गुजरे, उनका हर दिन मंगल और खुशी मंगल की तरह गुजारे, वो हंसी खुशी। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम यूनुस खान है, सब्जी मंडी करोड़ मंडी का हम्मल यूनियन का अध्यक्ष हूँ मैं।